गुरु अपने शिष्य का मान नहीं रखता है, एक राजा का मान रखने के लिए अपने शिष्य को अपमानित करता है, उस गुरु के पास रहकर क्या नहीं रह सकता, मैं चले जाता हूँ, ये लोग तुम्हारी विद्या में नेता हूँ। और संकल्प करके उन्होंने पानी छोड़ दिया और कहा कि हे गुरु जी, मैं तुम्हारी विद्या तुम्हें दे रहा हूँ, सौंप रहा हूँ। और उन्होंने यज्ञ की सारी किए हुए अपनी तपस्या को गुरु के सामने उनकी विद्या डाल दी। जैसा कि डाल दिया, देखिए क्या है, उस राज्य में पूर्ण तरीके से ऐसी हुई कि जमीन बंजर हो गई, जमीन में एक वृक्ष भी नहीं, सूख गया, घास सूख गया, पानी ताही ताही हो गया। जब ज्ञानी ने अपना संकल्प करके पानी छोड़ा, गुरु भी परेशान हुए, राजा भी परेशान हुए, कहा कि प्रभु, जहां शिष्य का मान गुरु नहीं रखता तो वहां मेरा रहना उचित नहीं, मैं जा रहा। जब उन्होंने विद्या के समय पे छोड़ दिया तो याज्ञवल्क्य अपने विलीन हो गए थे, उनका ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म देश से चला गया था। और गुरु देख रहे थे कि मैं अच्छे शिष्य को खो दिया इस राजा के कारण, और गुरु भी बहुत चिंतित हो गए। और याज्ञवल्क्य वहां से जब जा रहे थे तो सब लोगों ने देखा कि एक पशु पक्षी पानी के लिए तरस रहे, सारे घाट पे उजड़ गए, पानी नहीं है। और याज्ञवल्क्य चलते हुए आगे जा रहे थे, जाते समय उसे भी नहीं देखा और एग्नियल को पता चला कि अब मेरे रक्षा कोई करने वाला नहीं, मैं तो सारी विद्या दे दिया हूँ और मेरे पास विद्या नहीं है। फिर चिंतित होकर बैठ गए कि मुझे क्या करना है। देखा कि सूर्य बहुत ताप करते हुए बहुत तेज के साथ सूर्य का प्रकाश कर रहा है, तो उन्होंने एकदम सूर्य की तरफ देखा। देखते क्या है कि भगवान सूर्य हनुमान जी को विद्या पढ़ा रहे हैं, विद्या दे रहे हैं। पूर्व में एक पाँव रखकर, पश्चिम में एक पाँव रखकर हनुमान जी सूरज के साथ साथ सूरज के सामने रखकर उलटते हैं, उलटते हैं, उसके सामने सूरज विद्या दे रहे हैं और याज्ञवल्क्य अपने हनुमान जी विद्या सीख रहे हैं। ये जब भी उन्होंने देखा तो याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे रक्षा करने वाले चाहे मुझे मारो या तारो, हे सूर्य भगवान, मैं गलती हुए अच्छी हूँ, मैंने तो अपने गुरु को दे दिया, आप मेरा मान रखते हो तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ और मैं विद्या जो विद्या ब्रह्मा हनुमान जी को दे रहे हो वो विद्या मैं उनसे सीखता हूँ और आशिक मैं गुरु मानता हूँ। आप मुझे गुरु शिष्य स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं। और उन्होंने छुपके से जाकर जो सात घोड़े भगवान सूर्य के होते हैं उसके एक घोड़े के कान में जाकर बैठ गए और जो हनुमान जी को विद्या दे रही थी दे रहे थे वो विद्या याज्ञवल्क्य सीख रहे। ऐसे साल दो साल बीत गए, बाद में जब विद्या पूर्ण हुई तो हनुमान जी जाने लगे तो याज्ञवल्क्य भी बाहर आए और सूर्य भगवान के चरणों में हनुमान जी के चरणों में नमस्कार करके कहा, प्रभु मैंने छुपकर आपसे विद्या सीखी है लेकिन आपको गुरु मानकर, यह उचित है या अनुचित है नहीं है, अगर आपकी विद्या दी हुई मुझे प्रसन्न कर सकती है या मुझे इस विद्या का लाभ मिलता है तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, या मुझे आशीर्वाद नहीं मिलती है तो मुझे मेरी विद्या आप भी ले लीजिए, मैं इसका कोई भी मुझे इतना भी कष्ट नहीं होगा कि आपने मेरी विद्या ली, क्योंकि मैंने गलती है, मैं मानता हूँ मैंने छुपकर विद्या ली। भगवान सूर्य ने उनके पर देखा और कहा कि निष्ठावान, मेरे ताप को सहन करते हुए अगर कोई एक मानव हनुमान जैसा अपनी जो वज्र शरीर है वही सहन करके मेरी विद्या ले सका, अगर यह उस ताप को सहन करके विद्या लेता है तो ये भी निष्ठावान व्यक्ति तो है। उनने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे किए हुए पर क्षमा करता हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुमने जो हनुमान जी को देते हुए विद्या सीखी है वो विद्या तुम्हारे लिए तुम्हारे लाभ तुम्हारे लिए प्रसन्नताकारक है, लेकिन एक बात बोलता हूँ, यह विद्या तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं होगी, तुम जिसको ये विद्या को देंगे वो श्रेष्ठ बनेगा। याज्ञवल्क्य कहा, मुझे मंजूर है, मैं विद्या चाहती हूँ, मैं सभी में बांट दूंगा, ये विद्या मुझे आप प्रदान करें या ना करें मैं इसी ही संतुष्ट हूँ। और उन्होंने सूर्य भगवान को नमस्कार किया, उन्होंने उनको भी पता था कि ना कहने के कारण जिस शिक्षा को अनुभव कर रहे थे वो शिक्षा मुझे मिली, क्योंकि मैं विद्या का लाभ नहीं उठा सकता, विद्या दूसरों को दे सकता हूँ। जब यह बात याज्ञवल्क्य को मालूम हुई तो आज भी अगर आप देखते हैं कि याज्ञवल्क्य प्राप्त विद्या प्राप्त व्यक्तित्व को हमारे पास अगर हम कहाँ जाए तो कुल करनी कहा जाता है, करनी यानी कर्म में विद्या लेने वाले, और आप तेलुगु में आए तो करना भी बोलते हैं, यानी ये, और ये लोग बहुत खुशहाल होते हैं अपने काम के हद तक, बहुत खुशहाल होते हैं, ये लोग उनके पास विद्या जितनी है आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे।
ये सारे पटवारियां मिलेंगे या तो जमीन को देखने वाले मिलेंगे, ये यज्ञ मिलेंगे विद्या प्राप्त करने वाले व्यक्ति मिले और उनको कल्याण का कार्य था उसी तरह भी करना कि आपके पास कहलाया जाता है जो विद्या को छुपे से प्राप्त करें। ये एक बात हुई, लेकिन वह ऐसी कौन सी विद्या थी जो याज्ञ और सूर्य ने देते हुए कहा था कि तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो? वो ऐसी विद्या थी जिसे सरस्वती माता माता के पास विद्या लेने के बाद भी विद्या तो प्राप्त करते हैं लेकिन विद्या यशस्वी नहीं होती। मैं बहुत अच्छी तरह गाना गाता हूँ लेकिन कुछ ही लोग गायक बन सकते हैं जो संसार में खोए जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी विद्या चार लोगों में प्रतिष्ठा लायक हुई है, यश व्यक्ति प्रदान प्राप्त होती है। और हमने तब भगवान सूर्य ने कहा कि मैंने विद्या मैंने पूछे कहा कि ये सरस्वती माता को है इसे नील सरस्वती विद्या कहा गया है। नील सरस्वती विद्या को जो प्राप्त करता है वह उस मंत्र को करने वाला किसी किसी भी प्रकार का विद्या को प्राप्त करने वाले वो तो जरूर राजा निर्माण प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा, यश कीर्ति प्राप्त करेगा और उसकी वाणी सिद्ध होगी जो भी बोलेगा उसे जो सरस्वती विद्या को प्रदान करती है लेकिन नील सरस्वती यश कीर्ति के साथ धन को भी प्रदान करती है। और इसी नील सरस्वती को अब हम अगर चीना याद किया कर देखते हैं तो उसे तारा के रूप में कहा गया है। और आप देखते हैं तारा नील सरस्वती एक बेटा सरस्वती उत्तर तारा स्वर्ण तारा ऐसे तारा के अशी नील सरस्वती विद्या के बहुत सारे रूप है लेकिन नील सरस्वती विद्या एक ऐसी विद्या है जो आपको विश्व की और विद्या प्रदान करती है। इसके बारे में छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप सब लोग अकबर के दरबार में बीरबल नाम के व्यक्ति को तो जानते हो, उसकी उनकी कहानियां बहुत सारी कहानियां हैं। बीरबल कहते हैं कि बीरबल एक ब्राह्मण कुटुंब में पैदा हुए थे और वे जब पैदा हुए तो उनके 12 साल होते होते उनके उनके माता पिता का देहांत हो गया और उनको देखने वाले कोई नहीं थे तो उनका पालन पोषण कैसा हो तो किसी ने कहा चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए युद्ध के लिए आए और अकबर बादशाह को रोज पान खाने की आदत थी तो उनके पत्नियों में एक पत्नी थी तो रोज पान लगाया करती थी। तो पान लगा कर एक दिन देने गई तो अकबर को क्या हुआ उसमें चूना ज्यादा लग गया और अकबर का मुंह जल गया पूरा। वो पत्नी के ऊपर क्रोधित हो गए पत्नी का तो पत्नी को पूछा ये पान किसने लगाया? उसने कहा मेरे भाई ने, तेरे भाई को बुलाओ। पत्नी का भाई आ गया तो उसने कहा मेरे सामने बैठ। एक पाव से चूना ले गया। बोला पाव से चूना किस लिए? तू ले गए तो आप पाव से चूना ला गया अब इसको पानी में मिलाकर तू पी ले। बोले क्यों क्या हुआ? बोले तू पान में चूना डालकर मेरा मुंह जलाता है तो मैं तुझे पूरी तरीके से जला दूंगा। लोग बोले आप मर जाऊंगा गुरु जी इतना पाव से चूना अकेला खा लूंगा तब हे बादशाह मैं तो मरने वाला हूँ अभी ऐसा कैसा होगा? मेरी आज्ञा है मेरे सामने ही तुझे पीना है। आप परेशान किया कि अब एक हो तो कैसा हो अब पाव से चूना लाना है अब चूना लाने के लिए तू ही यार चूना लेकर मेरे सामने आ। आप बादशाह क्या अगर तू नहीं लाया आधे घंटे में नहीं आया तो तेरा सर कलम कर दूंगा। भाग के वो बाहर जा रहा है तो बाहर हमारे बीरबल 12 साल का बालक वहाँ बैठा हुआ है तो ये भागते हुए अरे तू क्या है मैं भी रोज पान की दुकान है पान लगाता हूँ जब ये मुसलमान बादशाह के बच्चे जो पान खाने के शौकीन होते तो ये पान बेचते थे। उन्होंने कहा अरे भाई बालक तेरे पास चूना है क्या? बोले क्यों कितना? मुझे एक आधा शेर चूना चाहिए। आधा शेर इतना लेके क्या करेंगे और वो भी आप बादशाह के महल से आए बादशाह के महल में तो कितना भी चूना पड़ा हुआ। नहीं नहीं भाई मुझे चूना यहाँ से चाहिए मुझे ही ले जाना चाहिए। तो चूना तो मिलेगा लेकिन एक बात तो बताओ क्या चूना किस लिए ले जा रहे हो? उसने कहा क्या बताऊँ भाई गलती से मैं चूना लगा के समय पान में ज़्यादा चूना लग गया अब वो बादशाह का मुँह जल गया और उन्होंने शिक्षा के रूप में मुझे अब ये आधा से चूना खा लो तो पानी में मिलाकर मेरे सामने खा बोल रही मेरी तो मौत आ ही गई कैसा जल ही जाता हूँ। तब वहाँ छोटा बालक बीरबल था उसने कहा एक ऐसी बात करता हूँ मेरे पास चूने के साथ साथ गाय का घी भी है
उन्होंने कहा कि ठीक है गाय का घी में क्या करूं। बोले तुम ये आधा से चूना खाने से पहले एक आधा मिलो घी पी लो। घी पी लिया और बोला जाके आप चूना खा जाओ, बादशाह के सामने जाओ। गया बादशाह ने कहा कहां चूना लाया? लाया अपने बच्चे को ताकि रक्षा चाट के लिए वो बहुत गहरा है, बस अभी पानी में मिला चूना पी जाओ। उसने बादशाह के सामने चूना मिलाया और चूना पी लिया। चूना पी लिया बाद में एक आधा घंटा हो गया वहाँ बैठा। अभी भरसा देख रहे कि थोड़ी देर में मरेगा, थोड़ी देर में मरेगा। बोले जाओ उठ के मेरे सामने मत मर, कहीं अभी दूसरी जगह जाके मर जा। हो गया एक घंटा हो गया, दो घंटा गया। जब रात हुई अपना भोजन करके बैठे तो पान लाने के लिए गया तो फिर ये पान लेके आ गया। अरे तो अभी तक मरा नहीं? बोले नहीं मरा। क्या बात है तुम मरा कैसे नहीं? तो उसने कहा कि प्रभु क्या बताऊं, मैं आपने चुना चुना था तो किया, नीचे एक बालक है उसने मुझे बुलाकर कहा पहले तुम घी पी लो और बाद में चुना पाओ। अब उसकी महिमा से मैं घी के घी भी पी लिया चुना पी लिया और मुझे कुछ नहीं। अरे नहीं उस बच्चे को ये इतने बचपन में इतना होशियार है तो ये तो बहुत होशियार, उसको बुला के ला आगे। अरे बच्चे मुझे कैसा मालूम कि घी पीने के बाद चुना लगता? बोले मेरी माता ने विद्या दी। तुम्हारी माता है? कौन सी माता है? मेरी गौ माता है और मैं रोज तुलसी की पूजा करता हूँ, तुलसी माता है। इसको लगा अरे तुम बुद्ध लोग तुम्हारी तुलसी भी माता है, गौ भी माता है, वो भी माता है, जमीन भी माता है, सब माता है, बोलते क्या बात है रे? इतना ही तेरी माता बता। वो तो वहाँ इनकी पत्नी ही तुलसी की, कृष्ण की भक्त थी जो हिंदू थी जोधाबाई, तो वहाँ तुलसी का झाड़ लगा था। आ मैं तुझे बताता हूँ ये मेरी तुलसी की माता है ना, इसको उखाड़ के फेंकता हूँ, तेरी माता मुझे क्या करेगी? तो उन्होंने क्या किया, तुलसी के पेड़ के वृक्ष को निकाल कर फेंक दिया। अरे प्रभु आपने गलती की, क्या हुआ क्या हुआ क्या बताऊँ, आपने माता को तो निकाल के फेंक दिया, मेरे पिता को बहुत गुस्सा आ गया। अरे फिर तेरा पिता कौन है, उसको भी उखाड़ देता? बोले जो अपने लकड़ी पर खुजली होती ना उसको, उस झाड़ को क्या बोलते हैं आपको बताए? तो उस झाड़ को उसने कहा वो पिता है मेरे, लेकिन मेरे पिता को भी उखाड़ दो। लाए और पिता को उखाड़ने के साथ पड़ता पूरा शरीर जाने लगा। माँ बना रहे ये क्या मेरा शरीर पूरा पड़ जाए, मेरे बाप है, गुस्सा लगा माता को निकाल देने के बाद गुस्सा आ गया बहुत और तुम्हारा शरीर खुजना जाने लगा। तो उसको मराठी में क्या झाड़ बोलते हैं उसको? ऐसे खुजली होती जिसको जिस झाड़ को लेने से उसका याद नाम है। अरे आयुर्वेद के डॉक्टर बैठे उसको कौन सा झाड़ बोलते हैं मराठी में जिसको लगा के खुजली आती? हाँ तो वो खुजली आने लगी और कहा अरे मेरा बाप बहुत बदमाश है, माता को निकालने पर माता पिता को तो गुस्सा आएगा। अरे अभी ये बता दीजिए फिर भी कैसे कम होगी? बोले अब मेरी दूसरी माता के शहर में जाना पड़ेगा। तेरी दूसरी माता कौन? गो माता, उसका गोबर अगर लगाते हैं तो खुजली कम हो जाएगी। तब अकबर ने लाकर पूरे शरीर को अपना गोबर लगा लिया। बोले ये बच्चा बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, आज से तुझे मेरे में तेरे को मुझे मेरे दरबार में लगा देता हूँ, तू मेरे दरबार में ले जाए। ये क्या कमाल की बात है, गोबर लगवाया मेरे हाथ से पिता के बारे में। अब वो जो वहाँ पत्नी की उन्होंने देखा कि क्या होशियार बालक है, इसने तो कमाल की बात कर दी। बोले तेरी परीक्षा तो हो गई, अभी और दो परीक्षा, मेरे पास 8 रत्न है, मैं 9 रत्नों का, 9 रत्न मेरे पास कवि के रूप में है, तो मैं उन 8 कवियों को बुलाता हूँ तेरी परीक्षा के लिए, उनके सामने तेरी परीक्षा रहता हूँ, मैं 2 प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब देना। तो कहा सरदार जरूर बोलिए, मुझसे हो सका तो मैं जवाब दूंगा। तो 8 मंत्री जो थे 9 रत्नों में से वो सब खड़े हुए थे, आगे बालक भी खड़ा हुआ था। बोले इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या है, 12 से 1 निकाल दिए तो कितना रहता? अब ये जो जितने मंत्री वगैरह थे उन्हें 12 से 1 निकाल दिए तो 11 रहता। सब मंत्रियों ने कहा, इन्होंने कहा जब विवर को पूछा गया कि 12 से 1 निकाल दो, प्रभु 12 से 1 निकाले तो ब्रह्मांड ही नहीं रहता। अरे वो कैसे, 12 राशियां हैं, 1 राशि निकाल नहीं सकते, निकालने से कुछ नहीं रहता, 12 आदित्य सूर्य उसमें से 1 निकालने से 1 सूर्य भी गए तो ब्रह्मांड ही नहीं रहता, 12 से 1 निकाल ही नहीं सकते। इस बात को देखकर बाद में दूसरा प्रश्न किया और बोला एक और एक मिला से 1 ही होता है, आप बोलो कैसे?
अब सब राजा वहां मंत्री सब लोग थे एक या वेकड़ा से दो होता है एक एक होता है उसने कहा बीरबल ने कहा हिंदू धर्म में बताऊं या मुसलमान धर्म में बताऊं उसने कहा दोनों में बता तो उन्होंने कहा हमारे पास शिव और पार्वती मिलते हैं दोनों मिले तो अर्धांगी एक ही अर्धनारीश्वर होता है एक और एक मिलने पर एक होता है और तुम्हारे में राजा प्रजा मिले तो राज्य होता है एक ही राज्य होता है और राजा प्रजा दोनों नहीं मिले तो ना राजा ये राज्य नहीं तो राजा नहीं मिला था प्रजा नहीं तो राजा नहीं मिला था इसलिए दोनों में पर एक होता है राजा प्रजा राज्य कहता है बीरबल की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने अंतिम क्षण तक जब भी अकबर उद्विग्न हो जाते थे परेशान हो जाते थे तो बीरबल को बुलाकर कहते थे कि तू तेरे हिसाब से चुप ले कुछ ना कुछ बुलाया कर कुछ ना कुछ बोला कर मैंने भी बहुत बार आपको बताया बहुत विद्वान था तो बीरबल की चतुराई के पीछे का जो रहस्य था वो था उनके पिता के मरने के बाद उनके पिता के गुरुकुल माता पिता मरने के बाद उनके घर में एक गुरु रहा करते थे बहुत पुराने थे वो पान पर शहर से रोज ओम ऐन ओम लिखते थे और पान खा लेते थे और वो विद्या बीरबल को सिखाई गई थी और वो थी नील सरस्वती विद्या बीरबल ने एक एकदम से उसी तरह उस पान की विद्या से हम सदा भी पान खाने लगा और वो पान खाने से उसको नील सरस्वती कृपा दी आपको बोलता हूँ बीरबल कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं लेकिन उस नील सरस्वती विद्या से अकबर बादशाह का एक श्रेष्ठ मंत्री बना और जितने दिन भी किया राजा उन अधिकार के साथ किया वैसे ही थे नंबर दो महाकवि कालिदास जो मूर्ख थे अपने टहनी पर बैठकर अपना पेड़ काटते थे और उनको एक ऋषि ने इसी नील सरस्वती की विद्या प्रदान की और आप भी जानते हैं कि महाराजा रघुनाथ के राज्य में वो भी नवरत्नों में से एक थे वैसे ही तेनाली रामकृष्ण जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वे भी अपनी काली विद्या के साथ नील सरस्वती विद्या लिया और वे ऐश्वर्यवान और शक्तिवान होते होते हुए अपने श्री कृष्ण देवराय के राज्य में वो भी नवरत्नों में से एक कहलाए इसके बाद पढ़े लिखे नहीं थे रामकृष्ण परमहंस पांचों के पास नहीं थे लेकिन उनकी जीव पर जब वो जाकर कहते थे कि मुझे प्रार्थना की कमी आ गई तो तैलंग स्वामी ने यही नील सरस्वती विद्या को दी थी और आज अगर कहें हम पृथ्वी पर पूरे रामकृष्ण परमहंस जी का नाम हम ताकि नहीं वो पढ़े लिखे नहीं थे यह नील सरस्वती विद्या हमें यश कीर्ति और सम्मान प्रदान करने वाली विद्या कहती है जिसकी वाणी सिद्ध नहीं है वो अगर आज के दिन एक पत्ते पर ओम ऐन ओम लिखता है और उस पान को खा लेता है अपने गुरु के हाथ को लगाकर तो वो भी विद्यावान विशिष्ट और कीर्तिवान बनता है ऐसा कहा गया है मैं आप सभी को आज बसंत पंचमी के दिन पहली साधना यही करवाता हूं कि यहां सरस्वती को शहर से अभिषेक करवाकर ब्राह्मण करेंगे उसके बाद आप उस शहर को अपने किसी खाने वाले पान पर ओम ऐन ओम लिखकर उस पान को आज के दिन खाते हैं और मुझसे शक्तिपात दीक्षा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भी बिना पढ़े लिखे हो लेकिन कम से कम डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सके लीडर के जरूर बनेंगे क्योंकि लीडर के पास विद्या की जरूरत नहीं है भाग से नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी कहना आजकल नेतागण आप जानते हैं कि क्या स्थिति है ऐश्वर्य है पैसा है उनके पास अधिकार है वो अपने अपना काम चलाते हैं IAS लोगों पर अधिकार चलाते हैं विद्यावान लोगों पर अधिकार चलाते हैं लेकिन उनके पास विद्या है या नहीं अपने लेकिन नील सरस्वती विद्या एक ऐसी विद्या है अपनी वाणी को सिद्ध करती है आप खेल खेलने वाले लोग भी देखो या गायन करने वाले भी लोग देखो जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनकी वाणी सिद्ध हुई तो वे संसार में इतने ऐश्वर्यवान हुए इतने पैसे वाले हुए और इतने सिद्ध हुए कि उनके पास ऐश्वर्य और सिद्धि उनके पास रही अभी मैं शिशु महाराज को निमंत्रण करता हूँ यहाँ इस प्लेट में माता सरस्वती की मूर्ति रखी जाएगी और उसको सरस्वती उपनिषद के साथ अभिषेक करवाया जाएगा और उस अभिषेक के शहर को आपको एक एक पान ले लेकर उसके ऊपर ओम ऐन ओम लिखकर उस पान को खाना है मैं बाद में दीक्षा देता हूँ इसके बाद फिर साधना बोलता हूँ तब तक आप सब लोग जब तक अभिषेक हो तब तक एक माला ओम ऐन ओम इस मंत्र को एक माला जप करो मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।